हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश ऐप पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं और ब्लॉगिंग कुछ अलग प्रकार की करने वाले हैं, जो कि हम एक फोन लेके जाएंगे और उसे हम दूसरी मार्केट में जाके उसे अनलॉक कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो दुकानदार का रिएक्शन है वो क्या है। वो हमसे डॉक्यूमेंट मांगता है या नहीं मांगता है, या फिर बिल बॉक्स के लिए बोलता है या नहीं बोलता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों के चैनल पर भी वीडियो कुछ वायरल हुई थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो कि व्हाट्सएप पर अब भी कुछ रूल चल रहे हैं जो कि मेरे लिए इमेज देखने के लिए मिले, जो कि दुकानदार जितने भी दुकानदार लोग हैं उन्होंने अपनी दुकान पर लगा लिए हैं। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है कि हम यहाँ पर अपनी मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हर कोई जानता है। हम दूसरी मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास एक फोन है, इसे अनलॉक करना है, और वो देखते हैं क्या रिएक्शन लेता है और कितना टाइम मांगता है, कितना रुपए लेता है, और क्या डॉक्यूमेंट मांगता है या नहीं मांगता है, विदाउट डॉक्यूमेंट के अनलॉक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसी पर आज वीडियो है, तो इन्जॉय करें, वीडियो पूरा देखें। तो हम चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पर एक मंदिर था, तो सोचा कि क्यों ना पहले दर्शन कर लिए जाएं, उसके बाद हम किसी शॉप पर जाएं। तो यहाँ पर एक मंदिर है, तो वहाँ पर पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर निकल लेंगे। तो यहाँ पर एक बार मंदिर का नज़ारा दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिर था, एक सोच रहा हूँ कि इस पर भी एक ब्लॉगिंग बनाऊँ किसी दिन। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मंदिर, और काफ़ी अच्छा है बाहर से, तो अंदर जाके पता नहीं परमिशन है वीडियो बनाने की या फिर नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे इस पर, काफ़ी अच्छा और फेमस बताया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम दर्शन करके आ गए हैं, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। और कुछ इस तरीका से हम कैमरे को हाइड करके रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जेब में रख लिया, कैमरा चालू करके रखेंगे। उसके बाद देखते हैं जो दुकानदार का रिएक्शन क्या होता है, उसे पता भी नहीं चलने देंगे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अब चलते हैं यहाँ पर शॉप पर किसी की पर, और देखते हैं। एक फ़ोन लेंगे, फ़ोन दिखाना कौन सा। तो एक फ़ोन ले लिया हमने, ये रियलमी का फ़ोन है, इसमें हमने लॉक लगा रखा है और देख सकते हैं ये लॉक लगा रखा है, शायद धूप की वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो इसका लॉक हम बिल लेके नहीं आए हैं, वैसे हमारा ही फ़ोन है, बिल फिल सब कुछ है। तो फिर चलते हैं। लार्जो 10 20 भैया, कम से कम मान के चलो 1000 रुपये। हैं 1000 रुपये, कुछ कम ना होंगे? ना भैया, कम ना होंगे। अच्छा, कितने देर में खुल जाएगा वैसे? इसका वो है बिल डब्बा, को बिल डब्बा तो नहीं है, एक फल वाले से लिया रास्ते में आ रहे से दिल्ली से। ना भैया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं खुलेगा। चलो ठीक है, बिल डिब्बे के बगैर नहीं खुलेगा, नीचे पे के बगैर नहीं खुलेगा। एक मिनट ही पता करता हूँ, देख लो पता यार, हमारे तो रुपये बेकार जाएंगे इस फोन के। एक मिनट ही पता कर ले रहा हूँ, नाम निको खाइया। अरे क्या कर रहे हो जनाब? मैं कह रहा नार्जो 10 है, नार्जो 20 है, लो जाओ दिखा दे। हाँ,
RMX2193। एक घंटे में आधार कार्ड की फोटो स्टेट दे दो। आधार कार्ड तो हम तो में तो कुछ भी न लाए हैं। चलो रुक जाओ एक बार, मैं ले ले आ जाओ, आधे घंटे बाद आ जाओ। कितने रुपए लगेंगे? आधे घंटा 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए दे दो। लॉक खुल जाएगा। आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट ना आधार कार्ड बिल ना हो तो आधार कार्ड से ही हो जाएगा। मतलब अगर आपका ही फोन है लॉक में ऐसा लगता जाएगा भूल गए हाथ में लगा दिया रात में लॉक कर दो। नहीं ऐसा था, हमने ये लिया था फोन, हमारे पास नहीं है बिल हमारे पास नहीं है कुछ भी। हमने लिया था ये फोन बुलेंसर से आते समय एक पल वाले से, उसने खोल के दिया था, उसके सब कुछ चल रहा था, उसके बाद घर पर चेंज किया, उसके बाद ध्यान दे रहा शाम के टाइम। आपका आधार कार्ड हो तो उसके द्वारा कितने रुपए देने पड़ेंगे? कौन सा है? रियलमी Narzo 20। Narzo 20 का 600। कितने टाइम लगता है? लगता एक घंटा जाएगा। जब जो लॉक तोड़ने वाला बदला उसका टाइम लगेगा। तुम ना तोड़ते हो? नहीं आता, सब दुकानों का भी आदमी आता है। मतलब हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा टूट के आएगा इसका लॉक। तुम ना करते हो? यहीं तोड़ देगा वो आता है। अच्छा तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट पर्सन? हाँ। चलो 600 रुपये लगा तो सही है। आधार कार्ड लिया या ना तो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं अपनी शॉप पर। तो बात करें रिएक्शन की तो यहाँ पर एक वीडियो बहुत मजा आया, बट वो वीडियो नहीं बन पाई थी स्टार्टिंग में, उसे शायद वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैं भूल गया था। तो वहां पर लेके गए थे फर्स्ट शॉप पर, तो उसने मांगे थे 2500 रुपए। पहले तो उसके साथ दो बंदे थे उस शॉप में, तो उसके साथी ने मना किया कि हम इसे नहीं खोल पाएंगे, इसका बिल डिब्बा होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो अनलॉकिंग करता था लैपटॉप पे बैठता था, और उसके पास मैंने डोंगल भी देखा था, शायद UMT था, तो उसने बोला कि हाँ खुल जाएगा, 2500 रुपये ले जाएंगे और 2 दिन का टाइम लगेगा। तो वहाँ से हम चले आए थे, बट वो वीडियो नहीं बन पाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, उसमें कुछ बातचीत भी की थी। अगर बात करें हम दूसरे और तीसरे नंबर की शॉप पर, तो वे शायद लग रहा था कि वो किसी और दुकानदार से अनलॉकिंग कराते हैं। तो उन्होंने दोनों ने सबसे पहले मांगा था आधार कार्ड, जो कि सेकंड वाले ने तो आधार कार्ड मांगा था, उसके बाद बोला कि हो जाएगा 1000 रुपये लगेंगे और आधार कार्ड देना होगा आपको, बिल नहीं है तो कोई बात नहीं। बट उसने भी कहीं पर कॉल किया था, शायद उससे पूछा था। तो एक मेरा साथी था जो अनलॉकिंग करता था, उस पर बॉक्स भी है, UFI है, डोंगल पोंगल सारे टूल है, तो उसके पास मैं गया नहीं था क्योंकि वो मेरे लिए जानता है, तो इसलिए नहीं गया, शायद उसी पर कॉल किया होगा। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज आप सतर्क रहें, किसी भी दुकानदार का काम बिल्कुल ना करें। तो प्रण यहाँ पर विदाउट आधार कार्ड के भी तैयार हो गया था सेकंड वाला, जो कि 1000 रुपये मांगे थे, उसने बोला था कि 1 घंटे में मिल जाएगा, कोई बात नहीं आधार कार्ड नहीं है तो लास्ट में, तो वो भी शायद किसी दुकानदार पे करवाता था। उसके बाद थर्ड पे गए थे लास्ट में, तो उसकी शॉप पर गए थे लास्ट में, तो उसने डायरेक्ट मना किया था कि हम विदाउट आधार कार्ड के अनलॉकिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि फ्रेंड विदाउट आधार कार्ड के अगर अनलॉकिंग नहीं कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है,
बट खाली आधार कार्ड से भी काम नहीं चलने वाला है। अब मान के चलो उसने फोटो स्टेट मांगी थी आधार कार्ड की, हो सकता है कोई एडिट करा हुआ आधार कार्ड हो, या फिर वो जानबूझ के आधार कार्ड दे दे, बट आपने तो चोरी किया होगा, फोन को ही अनलॉक किया है। तो वो जितने भी मैं दुकान पे गया था वो सारे दुकानदार हुए थे कि जो अदर दुकानदार पे अनलॉकिंग कराते थे। जैसे कि मेरे साथ भी यही होता था कि अदर जो शॉप वाले दुकानदार हैं तो वो मेरे पास आते थे अनलॉकिंग के लिए, और ऐसे ही मेरे से फंदा पड़ गया था। तो अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं कि आप अनलॉकिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, और आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए दुकानदार लोग लेके आते हैं फोन अनलॉकिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप दुकानदार लोगों को काम बिल्कुल भी ना करें। उनसे बोलो कि भाई हम आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, अगर परसेंटेज में काम करते हैं, आप परसेंटेज देते हैं तो आप बिल्कुल भी काम ना करें, लालच में ना आए। 2500 रुपए भी देता है कस्टमर तो बिल्कुल भी लालच में ना आए, नहीं तो 2500 के कई गुना फालतू रुपए शायद चले जा सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई थी कि देखते हैं कि कितना बदलाव आया है। जितने भी मोबाइल दुकानदार हैं सभी को पता तो चल गया है कि अनलॉकिंग पर अब पुलिस केस हो रहा है, बट मैंने इसीलिए और वीडियो बनाया था कि रिएक्शन देखते हैं कि वाकई में अब कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। बट इतना सुधार हुआ है कि वो आधार कार्ड ले रहे हैं। अब खाली आधार कार्ड से काम थोड़ी चल जाएगा, इससे तो तब भी फंस जाएंगे, फंसने वाले तो इससे नहीं हुआ। अगर बिल डिब्बा लेके आता है, अगर मान के चलते हैं पुराना कोई फोन है उसके पास तो बिल डिब्बा होगा ही नहीं, जैसे रेडमी 4 रेडमी 5 हो गया, 5A हो गया, नोट 5 हो गया, तो उन पर बिल डिब्बा नहीं होगा। 2015-16-17 के आसपास के फोन है तो उन्हें आधार कार्ड से अनलॉक कर देना है, कोई बात नहीं इतनी बड़ी। बट हम जानबूझ के हम लेटेस्ट फोन लेके गए थे नार्जो 20, जो कि हमने उसमें फोन लॉक लगाया था, स्क्रीन लॉक, और हमारा ही फोन था, उसे जानबूझ के लेके गए थे हम लेटेस्ट फोन। तो ये था कुछ रिएक्शन, आप बताएं कि अब भी नहीं सुधरे हैं लोग, और हो सकता है कि और कोई अभी पुलिस केस देखने के लिए मिल जाए। तो आप सतर्क रहें, किसी का भी दुकानदार का काम बिल्कुल भी ना करें। और थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं बन पाई थी क्योंकि वीडियो हम अगर कैमरा सामने लेके वीडियो बनाते तो वो डायरेक्ट मना करता था कि हम अनलॉकिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने जेब में रख लिया था। तो फोन कैमरा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया था, वैसे वाइड एंगल में बनाई थी वीडियो। और चलो जो भी हुआ, अब देखते हैं कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं वीडियो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।